चैनल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5th शुरू किया हुआ है। हमने एक्सरसाइज 5.2 के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं अभी तक तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। हमें ये बताना है कि इस एपी सीरीज की, हमारे पास एक एपी सीरीज है, उस एपी सीरीज की कौन सी टर्म उसकी 54th टर्म से 132 बड़ी होगी। मींस कि हमें एक ऐसी टर्म पता करनी है जो कि उसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा हो। हमें इस एपी सीरीज के अंदर एक ऐसी nth टर्म पता करनी है जो कि इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो शुरू करते हैं, पहले हम गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या क्या है। हमारे पास a की वैल्यू 3 गिवन है, d हम निकाल लेते हैं, d क्या होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है 15, a1 कितना है 3, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। स्टेटमेंट में हमें कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा है कि हमारे पास कोई nth टर्म है, कोई nth टर्म है an जो कि 54th टर्म से, मींस कि a 54 से कितनी बड़ी है, 132 बड़ी है। ये हमें क्वेश्चन में कहा है कि कोई nth टर्म है इस एपी सीरीज के अंदर, तो हमने an लिख लिया, वो इसकी 54th टर्म से, तो हमने a54 लिख लिया, इस a54 से 132 ज्यादा है, तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को सब कुछ लिख लिया। अब an टर्म पे फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब a54 पे भी फॉर्मूला लगा लेंगे, वो क्या हो जाएगा a प्लस एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 54 माइनस वन इंटू डी प्लस 132 को ऐसे। अब a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 प्लस एन माइनस वन, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस 54 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 53, तो ये हो गया 53 मल्टीप्लाई करेंगे, d कितना है हमारे पास, d है हमारे पास 12 प्लस 132। इसको ऐसे रहने देते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 को ऐसे लिखो प्लस 52 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 53 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 2 6 2 5 10 3 5 6 3 6 6 36 6 36 प्लस 132। अब ये वाला 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इसे इधर ले जाके माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू 12। इस वाली टर्म को सबको ऐसे लिख लेते हैं 3 प्लस 3 6 3 6 प्लस 132। अब ये वाला 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये हुआ हमारे पास n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करते हैं 6 प्लस 2 8 6 प्लस 2 8 3 प्लस 3 6 6 प्लस 1 7। अब ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाय 12, ये होता है हमारे पास 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 6 72, तो ये पहले 6 पे जाएगा, इसके पास बचेगा 4 तो 48 ये आ गया 64। अब ये वाला n माइनस 1 यहाँ माइनस हो रहा है तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 विच मीन्स की 65, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 65, तो हमारी कौन सी टर्म है वो a 65 टर्म है, तो 65 टर्म जो होगी वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। है हमारे पास
two ABs have same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000 terms? हमें ये कहा कि दो AP series है जिनका common difference जो है वो same है, means कि D की value दोनों के लिए equal है. हमें कहा है कि उनकी जो 100th term है दोनों APs की, उनको अगर हम minus करते हैं तो हमारे पास 100 आता है, 100 आता है. अगर हम उनकी 1000th terms को minus करेंगे तो कौन कौन क्या answer आएगा वो पूछना चाहता है. उन्होंने कह दिया है कि जो 100वीं टर्म है दोनों की उनको माइनस करने पे 100 आता है, तो बताओ कि 1000वीं टर्म को माइनस करने पे क्या आंसर आएगा. तो चेक कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस हम 100d मान लेते हैं. लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी, इसको हम डी मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस को. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो हमें कहा है कि ए 100 में से माइनस करें ए 100 तो हमारे पास 100 आएगा. अब बड़ा ए ए के बी के लिए लिए और छोटा ए दूसरी ए बी के लिए लिए. अगर दोनों जगह ए ए लेता तो कंफ्यूजन होती, इसलिए एक ए जो है वो छोटे के लिए ए के बी के लिए लिए और दूसरा ए जो है वो दूसरी ए बी के लिए लिए. तो इस पे अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी. इस पे अगर फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा ए प्लस 100 माइनस 1 डी is equal to 100. तो ये हो गया हमारा a plus 100 में से 1 माइनस करेंगे 99d minus a ऐसे ही आ गया plus minus minus 100 में से 1 माइनस करेंगे 99d is equal to 100. ये plus का 99d, ये minus का 99d, ये cancel हो गया. तो हमारे पास बचा a minus a is equal to 100. ये क्या है, ये अब ये आया कि उनकी पहली टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी 100 ही था, मींस कि उनकी 100वीं टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी 100 था, पहली टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी 100 था. इसके बाद हमारी अगर 1000वीं टर्म होगी तो उनके बीच का डिफरेंस भी 100 ही आएगा. कोई भी दो टर्म्स ले लो उनके बीच का डिफरेंस हमेशा 100 ही रहेगा, यहां से ये पता लग रहा है. एक बार हम फिर भी निकाल लेते हैं, फाइंड आउट क्या करना है हमें, a 1000 तो a 1000 माइनस a 1000 ये पता करना है हमें. तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू d माइनस ये हो गया हमारा a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू d. ये हुआ a प्लस 1000 में से 1 माइनस किया तो 99d माइनस का a प्लस माइनस माइनस, तो यहां भी माइनस करेंगे 1 तो ये 99d हो जाएगा. ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया ए माइनस ए, ए और माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 100, तो ये इक्वल टू आ गया हमारे पास 100. तो ये हमारा आंसर हो गया. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ.